बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो दिया क्या है, इफ यू इक्वल टू एक्स के पावर एन लॉग वाई बाई एक्स, वेरीफाई यूलर्स थ्योरम। ठीक है, तो देखो हमने होमोजीनियस फंक्शन का क्लास में क्या देखा था कि अगर यू एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री कितना है, एन है, तो यू को हमने कैसे लिखा था, एक्स के पावर एन लॉग वाई बाई एक्स से डिनोट करा था। ठीक है, ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन को डिनोट करने का एक तरीका है। ये कैसे आया, ये बात भी हमने प्रूफ किया था, आपको होमोजीनियस फंक्शन का क्लास देखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अगर आपने होमोजीनियस का क्लास लिया होगा तो ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए इजी हो गया। आप इसको कैसे देखो कि ये क्या लिखा हुआ है, x के पावर n कुछ f y by x की तरह दिख रहा है। ठीक है, अब इसको आराम से आप वेरीफाई कर सकते हो, खुद से भी कोशिश भी करो एक बार। ठीक है, हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, आप स्टॉप करके कोशिश करो, फिर कंटिन्यू करके आंसर को मैच कर लेना। ठीक है, तो देखो ये क्या है, यू एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री कितना है, डिग्री कितना है, एन के बराबर है। यहाँ पे वाई के पावर वन, एक्स के पावर वन, तो डिग्री वन माइनस वन जीरो ऐसा नहीं होता, क्योंकि देखो ये क्या है, लॉग वाई बाई एक्स, मतलब कि ये क्या है, फंक्शन है वाई बाई एक्स का। वाई बाई एक्स क्या है, लॉग का फंक्शन है, तो हम फंक्शन के अंदर कभी भी डिग्री को चेक नहीं करते, जो चीज बाहर होती है उसके अंदर ही डिग्री को चेक करते हैं। ठीक है, ये बात हमने होमोजीनियस के क्लास के अंदर भी किया था। ठीक है, तो देखो ये क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है जिसका डिग्री एन है, तो अकॉर्डिंग टू यूलर्स थ्योरम एक्स डे यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डे यू अपॉन डेल वाई कितने के बराबर होगा, एन यू के बराबर होगा, यही हमको वेरीफाई करना है। यू की जगह पे क्या है, यू की जगह पे यही है, तो हम लिख लेते हैं एन, और क्या है, एक्स के पावर एन लॉग वाई बाई एक्स, यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहले क्या करते हैं, डे यू अपॉन डेल एक्स का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो वाई क्या होगा, कॉन्स्टेंट रेट होगा, तो चलो इसको हटा दूं, एक्स के पावर एन एफ वाई बाई एक्स को, ये बस समझने के लिए था। अब क्या करते हैं, पहले एक्स के पावर एन को बाहर रख लेते हैं, लॉग को डिफरेंशिएट करो, तो लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई एक्स, तो लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन वन अपॉन समथिंग, क्या मतलब वाई बाई एक्स, फिर वाई बाई एक्स को डिफरेंशिएट करो, फिर क्या करेंगे, वाई बाई एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वाई तो कॉन्स्टेंट रेट होगा, मतलब हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, वन बाई एक्स को, तो वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस के वन बाई एक्स स्क्वायर होता है, चलो ये हो गया। फिर क्या, प्लस इस बार लॉग एक्स के पावर, सॉरी, लॉग वाई बाई एक्स बाहर रहेगा, और एक्स के पावर एन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एन एक्स के पावर एन माइनस वन आएगा, तो यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, यहाँ पे एक्स के पावर में वन बच रहा है, एक एक्स के पावर में एन है, तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर में एन माइनस वन हो जाएगा, और वाई वाई कट गया, एक माइनस का साइन भी है, प्लस यहाँ पे क्या बचता है, एन एक्स के पावर एन माइनस वन और लॉग वाई बाई एक्स। चलो अब क्या करते हैं, इसके अंदर एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और एक्स आएगा, तो एक्स के पावर वन, एक्स के पावर एन माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर सिंपली एन बचने वाला है, और यहाँ पे भी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के पावर एन बचने वाला है। चलो ये हो गया, अब क्या करते हैं, वाई के बारे में बात करते हैं, इस यू को वाई के रिस्पेक्ट में पास डिफरेंशिएट करते हैं, तो डे यू अपॉन डेल वाई का वैल्यू मिलेगा, तो यू क्या है हमारे पास, एक्स के पावर एन लॉग वाई बाई एक्स है। ठीक है, डिफरेंशिएट करो वाई के रिस्पेक्ट में, तो पहले एक्स के पावर एन को बाहर रख लो, लॉग को डिफरेंशिएट करो, तो लॉग समथिंग का डिफरेंशिएशन वन अपॉन समथिंग, मतलब वन बा वन अपॉन वाई बाई एक्स, इस बार क्योंकि हम वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वन बाई एक्स कॉन्स्टेंट रेट होगा, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वन हो गया, प्लस लॉग वाई बाई एक्स को बाहर रखेंगे, एक्स के पावर एन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्स के पावर एन क्या हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कॉन्स्टेंट रेट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, इस कूड़े को क्या कर देगा, जीरो कर देगा, तो इस टर्म को छोड़ देते हैं, तो यहाँ से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या करते हैं, वाई मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई आ जाएगा, इस वाई से वाई भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब सिंपली एक्स के पावर एन बच रहा है, एक्स के पावर, एक सेकेंड, एक्स के पावर एन बच रहा है, इसको कोई क्वेश्चन नंबर वन बना लो, इसको कोई क्वेश्चन नंबर टू बना लो, दोनों को ऐड करो, तो क्या मिलेगा लेफ्ट में आपको, एक्स डे यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डे यू अपॉन डेल वाई कितने के बराबर, माइनस एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपली ये बचेगा एन एक्स के पावर एन लॉग वाई बाई एक्स, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, देख लो वही आ चुका है, तो हम क्या बोलेंगे, ये बात प्रूफ हो गया, ये यूलर थ्योरम क्या है, सही है। ठीक है, इसको भी नोट करो,